السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے جو اکیلا ساری کائنات دا خالق مالک ساری کائنات نو بنان والا اس کائنات نو بنا کے اس کائنات دا نظام چلان والا درود سلام آقا کائنات امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا اور انسان ہوں کے ناطے انسان کو لو کمیاں کوتاہیاں گناہ ہوتے رہتے ہیں. اس کائنات کے اندر صرف انبیاء کرام کی ذات معصوم عدل خطا ہے کہ جنہاں کو کوئی گناہ نہیں ہوتا. انبیاء کرام تو علاوہ کائنات کے اندر کوئی بھی بندہ علاوہ نہیں کر سکتا کہ میرا کوئی گناہ نہیں یا کسی کو کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. اور انسان دا لفظی معنی بھی یہی ہے کہ کل جان والا غلطی کرنے والا. اصل انسان ہوئے کہ جڑا گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے اس غلطی نو تسلیم کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کر لے انہوں انسان کیا جائے اور گناہ کر کے غلطی کر کے
अपने गुनाह ते आकड़िया रहना ओनू शैतान कहा जाता है। और अल्लाह ताला ओ इंसान बड़ा ही महबूब है, बड़ा ही पसंद है कि जिदे कोलू कोई गुनाह हो जाए और अपने रब की तरफ रुजू करके अल्लाह को तौबा करता है, अल्लाह को अपने गुनाह की माफी मांगता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कायनात के अंदर कोई भी गुनाह ना करे, अल्लाह सारी मखलूक नु खत्म करके ऐसी मखलूक पैदा कर दे, ऐसे इंसान पैदा कर दे जेड़े गुनाह भी करन और गुनाह करन तो बाद अपने रब को लोगों ना गुनाह की माफी मांगे। तौबा करना हर गुनाह वास्ते वाजिब है, जरूरी है। कोई भी गुनाह हो, वो छोटे गुनाह हो या बड़े गुनाह हो, बार गुनाह होने के जेड़े छोटे मोटे होते ने उन्हां नूं अल्लाह ताला बगैर तौबा करन तो भी माफ कर देता है। गुनाह होया इंसान नूं पता भी नहीं होता, इंसान के वहमो गुमान च भी नहीं हो गुनाह होता, लेकिन उसका वो गलत होता है, गुनाह होता है। इंसान नेकी करता है, नमाज पढ़ता है, सदका खैरात करता है, अल्लाह ताला उस गुनाह नूं माफ कर देता है। लेकिन जेड़े वड्डे वड्डे गुनाह ने उन्हां वास्ते मुहद्दिसीन ने कुछ शर्तां रखियां ने जिहड़ियां तौबा वास्ते जरूरी ने। तौबा दी पहली शर्त ए कि इंसान ने जेड़े गुनाह तो माफी मंगनी है, सब तो पहला वो गुनाह करन तो बाज आ जाए। जेड़ा भी गुनाह कर गया फौरन उस गुनाह नूं छड्ड दे। दूसरे नंबर पे वो गुनाह नूं तस्लीम करे कि मेरा ये गुनाह है, मेरे कोलों ये गलती हुई है। अपने गुनाह ते शर्मिंदा होवे, उहनूं अफसोस होवे कि वाकई ये मेरा काम गलत। और तीसरी शर्त ये है कि इंसान पुख्ता अज़म ते इरादा कर ले कि मैं दोबारा जिंदगी के अंदर ये गुनाह नहीं करा। तौबा की कबूलियत वास्ते ये तीन शर्तां जरूरी है। और ये तीन शर्तां साडे माशरे के अंदर भी चल रही है कि जेड़ा इंसान अपनी गलती तस्लीम कर ले, हर बंदा ही उहदा हया करदा है। और जेड़ा बंदा गुनाह ते शर्मिंदा हो जाए यार कहते ने बंदे ने गलती तस्लीम कर ले, हालांकि पता लग गया लोगों ने इहदे गलती की, लेकिन जेड़ा बंदा गलती तस्लीम कर लैंदा है उहनूं वो सजा नहीं दित्ती जाती, नरमी उहदे नाल वरती जाती। असल सख्ती उहदे नाल हुंदी है कि गुनाह भी कीता होए ते अपने गुनाह नूं तस्लीम ही ना करे। और आखिरी बात, पुख्ता अज़म ते इरादा करना ये भी जरूरी है। ये भी साडे माशरे के अंदर चलता है कि जो भी इंसान कोलों कोई गलती हो जाती कहता यार मैं दोबारा नहीं करा। पुलिस वाले किसी बंदे को फड़ ले दे रहे हो, वादा करता है कि मैं दोबारा चोरी नहीं करांगा, दोबारा गलती नहीं करांगा, उन्हें पुलिस वाले भी छोड़ देते। हुण कोई बंदा ऐसा होए कि जेड़ा कहे गुनाह ते नहीं मैं छड़ना, उन्हें मैनू हुण माफ कर दिओ लेकिन मैं चोरियां डकैतियां तों बाद नहीं गया, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ। ਇਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫੌਰਨ ਗੁਨਾਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵੋ ਔਰ ਐਡਾ ਪੁਖਤਾ ਅਜ਼ਮ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤਾਲਕ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਗੁਨਾਹ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਤਾਲਕ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਨਾ ਹੱਕ ਖਾਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਦਾ ਤਾਲਕ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਥੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਬ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। माफी के तरीके ने कि अगर उसका माल ना हक खाता है उसको वापस किया जाए, अगर उसको गाली गलौज किया, उसको दुनिया से राजी कर दिया जाए,
अगर ये चारे शर्ता मुझे अंदर मौजूद हो गया तो अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ कर दे। और कुरान और हदीस के अंदर तौबा करने की बहुत ज्यादा अहमियत और फजीलत बयान हुई। तौबा क्या जाता है? रजू करना कि इंसान गुनाह कर करके अल्लाह को दूर हो जाता है, जो इंसान वापस अपने रब वल आता है उसको तौबा किया जाता है, अपनी गलती को रजू करके अल्लाह की तरफ मुड़ जाना इसको तौबा किया जाता है। और कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने बड़े बड़े प्यारे अंदाज के अंदर इंसानियत को मकासद किया और फरमाया वसारिहू इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, लोगों सारे के सारे दौड़ते हुए रब वल आ जाओ, रब तालो माफ करने वाले। सारे उनका मेहनत तेजी ना चल गया ना नहीं, बल्कि दौड़ते हुए अपने रब वल आ जाओ कि अल्लाह ताला इस तरह की ऐलान कर रहे हैं कि लोगों दौड़ते हुए मेरे वल आ जाओ और मेरे को अपने गुनाहों की माफी मांग लो, मैं तानू गुनाहों की माफी की वजह तो ऐसी जन्नत अता फरमावांगा, व जन्नतिन अर्दुहा कअर्द समाए वल अर्द, कि जेड़ा बंदा गुनाहों तो माफी मांग लेता है उसे ऐसी बड़ी जन्नत अता फरमाऊंगा जिनकी जमीन और आसमान के बराबर जगह। और इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया वतूबु इलल्लाहि जमीअ अय्युहल मोमिनून, और सारे ईमान वाले अपने रब को लो अपने गुनाहों की तौबा कर लो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुसी फला पा जाओ कामयाब हो जाओ। तौबा करने वाला इंसान दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाता है, आखिरत के अंदर भी कामयाब। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया इस्तगफिरु रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैह, लोगों अपने रब को लो उससे उफार तलब करो, कसरत नाल अस्तगफिरुल्लाह पढ़िया करो, फिर अपने गुनाहों की रब को तौबा करो, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा गुनाहों को माफ करने वाला है और तौबा को कबूल करने वाला है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर अपने गुनाहगार बंदियों का तज़किरा बड़े प्यारे अंदाज में किया, फरमाया कुल या इबादी, ऐ मेरे बंदो, हुन अल्लाह ताला इतने प्यारे अंदाज नाल किसे नमाजियां नु हाजियां नु मुखातिब नहीं कर रहे, असरफू अला अनफुसिहिम, ओ लोग जिन्ना ने अपनी जान ते जुल्म कीता, हुन अल्लाह ताला ने एक किया ओ चोरो ओ डकैतो ओ फरादियो तौबा कर लो, कुल या इबादी, ऐ मेरे बंदो, असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्ना ने अपनी जान पे जुल्म किया, उन अल्लाह का गुनाहगार कुछ भी बगाड़ रहे, अल्लाह कह रहा तुसी अपनी जान पे जुल्म किया, किन्ना अल्लाह नु इंसानियत पे तरस आ रहा है। कोई बंदा अपनी जान पे जुल्म कर रहा है ना, बंदे के दिन चल अपने आप नहीं कर रहे, सादा की तो कर, लेकिन अल्लाह कह रहा तुसी अपनी जान पे जुल्म कर रहे हो, गुनाह करके गलतियां करके, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत को मायूस और ना उम्मीद ना हो। इंसान सोचता है कि मैं गुनाह इतने ने बड़े कितने ने कि मेरे वास्ते माफी कितनी हो सकती, अल्लाह की रहमत को मायूस और ना उम्मीद नहीं होना। इन्नल्लाहा यग़फिरु ज़ुनूबा जमीअ, अल्लाह फरमाता है सारे के सारे गुनाह माफ कर दे, और कोई गुनाह ऐसा नहीं जिदी रब के दरबार के अंदर तौबा ना हो, जिन्ना मर्जी गुनाह करके आ जाए, और तारीख के अंदर कायनात के अंदर दुनिया के बड़े बड़े गुनाहगार आए, बड़े बड़े फासिक फाजर आए, नबी अलैहि सलाम के नाल जंगा करने वाले रब ने उन्होंने भी माफ कर दिया, अंबिया कराम को शहीद करने वाले अगर उन्होंने रब को तौबा की अल्लाह ने उन्होंने दुआ को भी कबूल करके उन्होंने गुनाहों को भी माफ कर दिया। इस कायनात के अंदर 100 बंदा कत्ल करने वाले भी आए,
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਇਤ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਕੁਲ ਯਾ ਇਬਾਦੀ ਅਲਲਜ਼ੀਨਾ ਅਸਰਫੂ ਅਲਾ ਅਨਫੁਸਿਹਿਮ ਲਾ ਤਕਨਤੂ ਮਿਨ ਰਹਿਮਤ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਫਰਮਾ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯਗਫਿਰੁ ਜ਼ੁਨੂਬਾ ਜਮੀਆ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਨਹੁ ਹੁਵਲ ਗਫੂਰੁ ਰਹੀਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ। ਔਰ ਤੋਬਾ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਆਖਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਸਤਾਗਫਿਰੁ ਰੱਬਕੁਮ ਇਨਹੁ ਕਾਨਾ ਗਫਾਰਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ। ਯੁਰਸਿਲਿਸ ਸਮਾ ਅਲੈਕੁਮ ਮਿਦਰਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਰਸਾਏ। ਵਯੁਮਦਿਦੁਕੁਮ ਬਿਅਮਵਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਵਬਨੀਨ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਵਯਜਅਲ ਲਕੁਮ ਜੰਨਾਤ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਵਯਜਅਲ ਲਕੁਮ ਅਨਹਾਰਾ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਆਖਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਰੀ। ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਇਮਾਮ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰੀਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਸਾਲੀ ਬੜੀ ਪੈ ਗਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਰੱਬ ਰਹਿਮਤ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਰਸਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ, ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਟੇ ਜੈਸੀ ਨੇਮਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਤਾ ਕਰ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਔਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਗੀਰਦ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਚਲੇ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ, ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਤਗਫਿਰੁ ਰੱਬਕੁਮ ਇਨਹੁ ਕਾਨਾ ਗਫਾਰਾ, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਨ ਲਾਜ਼ਿਮ ਅਲਿਸਤਿਗਫਾਰ ਜਅਲ ਅੱਲਾਹੁ ਮਿਨ ਕੁੱਲਿ ਜ਼ਿਕਰਿਨ ਮਖਰਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤੰਗੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਹਰ ਤੰਗੀ ਚੋਂ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ, ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਚੋਂ ਰੱਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਵਮਿਨ ਕੁੱਲਿ ਹਮਦਿਨ ਫਰਾਜਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਹਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨਜਾਤ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਫਾਇਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਪੈ ਜੇ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸੋ।
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حل دسیا من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ذکر مخرجا ومن کل هم فرجا رب ہر مصیبت چوں ہر تکلیف چوں ہر تکلیف چوں اس بندے نوں کر دیندے نے جڑا کثرت دے نال استغفار پڑھدا ہے اور اگے پڑھنا ہوا ہے رسول کو من حیث لا یحتسب جڑا بندہ اللہ کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگن والا ہے رب انہوں اتو رزق دیندا ہے تو بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اج رزق دی وجہ تو ہر بندہ پریشان جی مالی حالات نے بھی پریشان ہو گئے جی کرونا آ گیا مر گئے رڑ گئے اللہ تعالیٰ رزق دینے واسطے کسی بھی چیز کا محتاج نہیں اللہ یہ نہیں کہ انہاں نوں رزق دیندا ہے جی کوٹھیاں والے کاراں والے بنگلے والے محلہ اور فیکٹریاں والے اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں اور حدیث ہے کہ اللہ تے توکل انسان ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ اس طرح رزق دے جس طرح پرندیاں نوں رزق دے صبح تو خالی پیٹ نکل جائے رات کو بھرے ہوئے پیٹ لے کے واپس آ جاتے ہیں اور اپنے بچیاں واسطے لے کے آتے ہیں اور پرندیاں دا اپنے رب تے توکل لے گئے کہ کدی انہاں دو دنوں دا بھی کھانا جمع نہیں کی اس بندے نو بھی استغفار کرنا چاہیے توبہ کرنی چاہیے یہ الگ عبادت ہے حدیث کے الفاظ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل کے اندر 70 مرتبہ اللہ کو اپنے گناہ کی معافی مانگے حالانکہ نبی تو ہوئے جنہ کا گناہ ہی کوئی نہیں اور صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ اسی ایک ایک مجلس کے اندر جنہ پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بیٹھتے کہ تو مجلس کے اندر بیٹھا 100 مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ ایک مجلس کے اندر بیٹھے اتنا زیادہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ پڑھ انبیاء کرام دے او دے جنہاں دا گناہ کوئی نہیں ہے وہ ایک مجلس کے اندر 70 مرتبہ اپنے رب کو اپنے گناہ معافی مانگتے اور اللہ کتنا زیادہ اس بندے تے خوش ہوتا ہے جڑا بندہ اللہ کو اپنے گناہ کی معافی مانگدا ہے صحیح حدیث ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس بندے تے ایسا خوش ہو جے کہ بندہ جنگل دے اندر سفر کر رہا ہوئے اور جنگل دے اندر اودے کول اودی سواری موجود ہے اور سواری تے دے کھان والا سامان پین والا سامان ضروریات زندگی سار چیز اودے کول موجود ہے کہ اچانک سواری اودے کول چھٹ کے گواچ جاوے غائب ہو جاوے او بندہ بڑا تلاش کردا ہے سواری نہیں لبدی ظاہر بات ہے جنگل ہے نہ کسی پاسے جا سکدا ہے نہ کسی نال رابطہ کر سکدا ہے او مایوس ہو چکا ہے کہ میرے بچن دا کوئی راستہ نہیں فرمایا سو جاندا ہے خوشی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نالوں دی زیادہ خوش میرا رب اس بندے تے ہوندا ہے جیڑا گناہ کر کے گناہاں تو بعد اپنے رب کو گناہ دی معافی مانگدا ہے تسی تصور کرو کسے بندے دی گڈی گواہ جاندی 10 لاکھ دی 20 لاکھ دی گڈی ہے او گڈی لب لب کے کھپ چکے نے سارے رابطے کر لے نہیں ملے تے سنتا ہوں کہ گڈی کار کھلوتی ہوئے تو بندے دی خوشی دا تصور کی ہوئے اللہ فرماتے ہیں میں اس نالوں میں زیادہ اس بندے تے خوش ہونا کہ جیڑا بندہ میرے کولوں اپنے گناہاں دی معافی مانگے اور پھر اللہ کولوں
माफी मगर वास्ते नहीं कि फजर टाइम आयो जोर टाइम आयो या 12 बजे आयो अजे नहीं माफी मिल सकती। अल्लाह फरमा 24 घंटे जिधर किसी भी वक्त मेरे को आ जा मैं तेरे गुनाह मन माफ कर। और हदीस के अतबार है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारा दिन के अंदर जेडे बंदे गुनाह करते ने अल्लाह रात को उनका वफा खत्म कर के अंदर दिन के अंदर गुनाह करने वाले आ जाओ मैं अपनी रहमत दे हाथ फैलाए दे आज जेड़ा बंदे ने दिन के अंदर गुनाह मंगीते ने मेरे को माफी मांगे रात के जिस बंदे ने गुनाह किए हो ना अल्लाह ताला सुबह में अपने हाथ फैला के बैठ गया कि आ जाओ सारी रात गुनाह के अंदर गलतियां के अंदर गुजार पा लो आ जाओ और आके मेरे को जो रहमत की दुआ कर लो मेरे को जो अपने गुनाह की माफी मांग लो मैं रब तानु माफ करने वाला। सही बुखारी के अंदर बनी इसराइल का वाकया मौजूद है और बड़ा मशहूर वाकया कि बनी इसराइल एक बंदे ने 100 के करीब करीब बंदे कत्ल किए नरेद ने कत्ल किए हदीस के अल्फाज एक बंदे को तो मसला पूछन गया उन्हें क्या इतने कत्ल अल्लाह ने एक नहीं माफ करता तो 100 करके आ गए नरेदने कत्ल किए ने कोई माफी नहीं तेरी निकल जाए हदीस के अल्फाज है फकाता लहू को ने उस मौलवी साहब ने भी कत्ल कर दिया रहा थी ईसाइया का पादरी सी क्योंकि मतलब ही ईसाई सी बनी इसराइल उन्हें उन्होंने भी कत्ल कर दिया तो जो माफी ने मिल लिया नहीं चल अगर तू भी कत्ल हो इतों उलामा ने कहा जी ये कहते मसला किसे आलम को पूछना चाहिए जेड़ा कोई समझ बूझ वाला हो जिनको अल्लाह ने इल्म और फहम अता फरमाया हर मुफ्ती को जाके सवाल नहीं कर लेना चाहिए क्योंकि आज साडे माशरे के अंदर हर बंदा तो मुफ्ती बने है मौलवियां ना बाद जेड़े ने दो दिन बाद जाके बंदे मुफ्ती बन जाते ते दूसरे नंबर ते जेड़ा बंदा जवाब दे रहा है वो तो भी अगले बंदे की परेशानी टेंशन समझ के जवाब दे रहा है एक बंदे ने नजेदवे कत्ल किए सन अगर वो अल्लाह वाल रुजू कर लगा तो उन्हें फतवा देता जी बस दे कोई माफी नहीं इस वास्ते सवाल का जवाब भी अगले बंदे को देख के ओदी कैफियत को समझ के कुरान और हदीस के मुताबिक देना चाहिए। खैर अल्लाह ताला ने फिर समय दी कि यार किसे होर को पूछिए एक होर राहुल को गया और पूछिए अपने बड़ा आलम को दी रहनुमाई की थी वो गया उन्होंने कहा कि बस्ती छाड़ दे बड़ा तफसीली वाक्य मुख्तसर है देखो ने कहा कि बस्ती छाड़ के फलानी बस्ती के अंदर चला जा लोग नेक ने अच्छे ने और तेरी सही रहनुमाई कर और साडे माशरे वास्ते बड़ी अच्छी चीज है कि बंदा कोई चीज गुनाह के अंदर मुब्तला है वो छाड़दा है लेकिन ओना बंदियां के नाल बैंक खलो नहीं छाड़दा फिर उस गुनाह च मुब्तला हो जाता है। इस हदीस को साबित है जेडी मजलिस गुनाह पासे लगाती होए जेड़ा माशरा उन्हें छड़ना चाहिए और वो क्या भी छाड़ दे चला जा हदीस के अल्फाज ने के करो तौबा दे पुख्ता इरादे वास्ते बस्ती च निकलया अजे दूसरी बस्ती से नहीं पहुंचा क्योंकि मौत का वक्त करीब आ गया हम दो फरिश्ते लैन वास्ते आ गए गुनाह वाले भी नेकियां वाले भी गुनाह ने कहनी सारी जिंदगी ने एक भी नेकी नहीं की ये बंदा साडा है और जिने नेक आलम बंदियां को खड़न वाले सन अल्लाह के रहमत के फरिश्ते सन उन्होंने कहा सरकार एक पुख्ता अजम ते इरादे दे नाल निकल गया सी अल्लाह ने इहदे गुनाह नु माफ कर छड़या कि बंदा साडा है। हदीस के अल्फाज ने कहे बहस जारी है कि तीसरा बंदा अल्लाह ने एक फरिश्ता इंसानी शक्ल च भेजे उन्हें कहा जी की मसला है उन्हें कहा जी यह मसला उन्हें कहा जी फैसला इस तरह कर लो अगर ते तौबा वाली बस्ती करीब है तो फिर बंदा जल्दी एक नेक फरिश्ते लै जा और अगर जेडी बस्ती नु छड के आया वो करीब है तो बंदा गुनाहगार है वो वाले फरिश्ते लै जा उन्होंने नापना शुरू किया। हदीस के अंदर दो बार अल्फाज आए ने एक अल्फाज आए ने कि जमीन बराबर हो गई दुआ पासे हो अल्लाह ने उन्हें फिर भी माफ कर दिया और दूसरे हदीस के अल्फाज है कि अल्लाह ताला ने जमीन को क्या तू जिधर तौबा वाली सी हो थोड़ी हो जाए और यदि बस्ती में छट गया सी ज्यादा दूर चले जाए और एक बलिष्ठ का एक गेट का फासला पाया जिसकी वजह तो रब ने उस बंदे को माफ कर दिया कि अल्लाह किस कदर बहाने तलाश कर कोई नेकी नहीं की थी कोई नमाज थी रोजा थी हज थी ज़कात पुख्ता अज़म ते इरादे वास्ते
रब की तरफ रजू किया, रब ने 100 कत्ल करने वाले बंदे नु भी माफ कर दिया। ये वो बंदे ने कि जेड़े सच्चे दिल दे नाल अपने रब की तरफ रजू कर लिया। नबी अलैहि सलात व सलाम ने बोले औरत आई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गुनाह कर ला मेरे पे हद ला। सहाबा दे बड़े मजबूत ईमान सन और उन्होंने आखिर की बड़ी फिक्र होती सी, दुनिया ते रसवाई होए, दुनिया ते तकलीफ होए, दुनिया ते परेशानी होए, दुनिया की बर्दाश्त कर लेते सी, लेकिन उन्होंने पता सी कि आखिरत के अजाब बड़े सख्त है। खातून आई या रसूलुल्लाह मैं गलती कर ली मेरे पे हद ला, और उस औरत को भी पता है मेरे पे हद लगनी, सारे माशरे में पता लग जाए इस औरत ने यह गुनाह किया, और सजा भी सी पत्थर मार मार के उस औरत को रजम कर देना, औरत को कत्ल कर देना। यह बड़ी सख्त सजा सी, और औरत को पता है मैं दुनिया में मिलनी है, लेकिन जिदा ताल्लुक रब के नाल जुड़ जाए, जिनको आखिरत का फिक्र होए, वो दुनिया की सख्तियां तो नहीं करती। नबी अली की सलात और सलाम के कोल वापस आई, दो तीन दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा लंबी हदीस, अगर उसको रजम कर दिया गया, औरत को कत्ल कर दिया गया, अल्लाह ने नबी अली की सलात और सलाम उस औरत का जनाजा पढ़ाने वास्ते आगे हजरत उमर कह लगे अल्लाह के नबी अली की सलात और सलाम यह खातून बदकारा थी, तुसी इहदा जनाजा पढ़ाया। अल्लाह के नबी अली की सलात व सलाम ने नाराजगी का इजहार करते हुए फरमाया उमर इस औरत ने ऐसी तौबा की थी कि अगर इसकी तौबा को इस सारी बस्ती के गुनाहगारों के अंदर तकसीम कर दिया जाए रब सारे को माफ कर दे। ये औरत ने जो सच्चे दिल के नाल अपने रब को ही तौबा कर ले, नबी अली की सलात व सलाम ने फरमाया खुशखबरी है उनका इंसाना वास्ते कि जिन्हां दे नामा आमाल दे अंदर कसरत दे नाल इस्तगफार होंगे, जिहड़े कसरत दे नाल अपने रब को लो अपने गुनाहां दी माफ़ियां मांग रहे हैं। कैसे करें सही बुखारी के अंदर किफल नामी आदमी का वाकया मौजूद है, और हदीस के अल्फाज ने जेड़ा भी उसके ज़हन के अंदर गुनाह आया ना, पूरी दुनिया के कोई ऐसा गुनाह नहीं जेड़ा उस बंदे ने कसी की। एक मजबूर खातून मजबूर औरत ओदे कोल गई, क्या कि मैं मजबूर हाँ लाचार हाँ मैनू पैसे की जरूरत है। उन्हें कहा कि पैसे तेन मिलने लेकिन मेरा बेहयाई का इरादा है। वह मजबूर थी बेहयाई करने वास्ते तैयार हो गई, औरत की अखा चो आंसू निकल आए, पर मैं क्यों रो रही हूँ, पर मैं अल्लाह के डर और खौफ की वजह तो रो रही हूँ। फौरन उन्होंने गुनाह को तर्क कर दिया, और जिन्ने पैसों की उस औरत को जरूरत थी और इस जरूरत को पूरा कर दिया, औरत वापस चले गई, उससे रात को बंदा अल्लाह को प्यारा हो गया, और रब को ओदी तौबा इतनी पसंद है कि अल्लाह ने ओदे दरवाजे ते लिख दिया कि मैं किफल बंदे को माफ कर। अल्लाह ने बड़े बड़े गुनाहगारों को माफ किया, लेकिन शर्त यह है कि कोई रब भी कर आए अल्लाह को अपने गुनाहों की माफी मांगे। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक सहाबी आया, आके सवाल किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराईता मन अमिला ज़ुनूबा कुल्ला, तादा उस बंदे के बारे की ख्याल है जिन्ने कोई गुनाह ना छड्या हो, फलम यतरुक मिनहा शैइन, हर किस्म का गुनाह किया दुनिया का कोई गुनाह नहीं छड्या, فَهَلْ لِذَٰلِكَ مِنْ تَوْبَةٍ, کہنے لگے کہ اودے واسطے کی توبہ ہے۔ تین سوال کیتے دی ایک بندہ سب جن نے ہر گناہ کیتا دنیا دا کوئی گناہ نہیں چھڈیا، تیسرے نمبر تے کہہ لگا کہ کیا اودے واسطے بھی توبہ دا کوئی حل ہے، کیا رب اونوں بھی معاف کر دے گا؟ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَهَلْ أَسْلَمْتَ, کیا تم مسلمان ہو ان واسطے تیار ہے, क्या तू मुसलमान हो गया? और क्या लगा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। अल्लाह के नबी अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया दो काम तू कर दे, एक तो गुनाहों को छोड़ दे, अल्लाह की इबादत शुरू कर दे, रब तेरे सारे गुनाह माफ कर दे। और हदीस के अल्फाज है कि गुनाहों को माफ भी नहीं करेगा,
अल्लाह ताला खुदावंद नु नेकियां दे अंदर तब्दील कर दे इन्नी रहमत और कुरान के अल्फाज युबदिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात कि जेड़ा बंदा सच्चे दिल दे नाल अपने रब को अपने गुनाह की माफी मांगता है वो खाली गुनाह माफ नहीं करता सारे गुनाहों को नेकियां दे अंदर तब्दील कर दे और अल्लाह ताला फरमाता है रहमती वसअत कुल्ल शय मेरी रहमत हर चीज नाल वसी और हदीस के अल्फाज है रहमती वाला मत आला गाजी मेरी रहमत मेरे गुस्से पे غالب आ चुकी है कोई भी बंदा रब को अपने गुनाहों की माफी मांगता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर दे जेड़ा बंदा अपने गुनाहों की माफी मांगने वाला अल्लाह ताला दुनिया की बेशुमार परेशानियों को सबद दे दिया इमाम इब्ने तैयब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम गुजरे थे उन्होंने एक अल्लाह के नेक बंदे का वाकया अपनी किताब के अंदर लिखा एक अल्लाह का बंदा जान रहा सी ते दूसरा उस बंदा मिलया गाली गलौज ते उन्हां लड़न लग पे उन्हों मार पै रहा बड़े गुस्से दे नाल उन्होंने कहा खैर जा जरा ना मैनू घरों होवां ते ओ नेक बंदा घर गया अल्लाह के सामने सजदा किया अल्लाह के सामने अपने गुनाह की माफी मंगी ते वापस उहदे कोल चला उन्हें पूछा घर की कर क्या ਕਿੰਦਾ ਤੋ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਸੱਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ और अल्लाह के रहमत ने इसके अंदर वसी है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जेड़ा बंदा नेकी का इरादा करदा नेकी नहीं करदा ओदे नामे आमाल के अंदर भी नेकी लिख दी जाती है अजे कीती नहीं इरादा करदा अल्लाह के अंदर फौरन है जी मेरे बंदे दी नेकी ले लो और फरमाया अगर गुनाह कर ले गुनाह का इरादा कर ले जिनी देर तक गुनाह कर नहीं लेता इरादे के नाल गुनाह नहीं मिलता और गुनाह करन तो बाद ही अल्लाह फरिश्ते को रोकता भी खैर क्या हो सकता है मेरा बंदा मेरे को गुनाह की माफी मांग ले गुनाह तो फौरन बाद ही अगर अल्लाह ताला अपने गुनाह की बंदा अपने गुनाह की माफी मांग ले अल्लाह ताला उनको भी माफ कर दे और आखिरी हदीस बयान करके अपनी बात को खत्म कर दें प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई एक सहाबी आया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गुनाह कर लिया मेरे पे हद लगाओ नमाज का वक्त से नबी अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया कि नमाज पढ़ फिर तेरा बाद हो फैसला तेरा करा दे नमाज पढ़ी नमाज पढ़ने के बाद उन्हें फिर वही सवाल किया फरमाया क्या साडे नाल नमाज पढ़ी है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से पढ़ी फरमाया क्या तू अल्लाह का कुरान नहीं पढ़या इन्नल हसनात युज़हिबुन नसयात के बेशक नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं खत्म कर देती हैं तो गुनाह कीता तो गलती कीती साडे नाल आके नमाज पढ़ी है जिदी वजह तो रब ने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया तो मेरे भाइयों ये वाकया ये हदीसा बयान करने का मकसद ये कि अल्लाह की रहमत बड़ी वसी अल्लाह को सच्चे दिल के नाल अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए फिर रमजान का महीना वैसे अल्लाह के रहमत वाला बख्शिश वाला मगफरत वाला महीना पूरा महीना अल्लाह ताला रोजाना ऐलान कर रहे थे कि बंदे हो आ जाओ मेरे को अपने गुनाहों की माफी मांग लो इस वास्ते पुख्ता आजम से इरादा करके अल्लाह को तो अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए बाद दफा बंदे का ख्याल है होता कि चल यार मांग लांगे बड़ी उम्र पई है बड़ी अजे अजे के असि हुने तो चले हां लेकिन मौत अटल हकीकत है और एदा कोई भी अल्लाह ने वक्त मुकर्रर नहीं किया और एदे अंदर भी अल्लाह की हिकमत है अगर अल्लाह वक्त मुकर्रर कर देता तू 40 साल जिंदा रहना 10 साल तो उन्हें कहने जीत देना उन्हें पता होना है मैं मर लगा तो अल्लाह को माफी मांग लगा हूं ते आखिर चुप अल्लाह ने मौत का वक्त दसे ही इस वास्ते नहीं ताकि हर वक्त बंदा इस फिक्र च रहे कि मुझे किस वक्त भी मौत आ और बड़े बड़े चलते फिरते नौजवान जा रहे हैं बच्चे जा रहे हैं बुढ़ापे के अंदर जा रहे हैं इस वास्ते कोई पता नहीं मौत कदों आ जानी है ये नहीं कि बुखार चढ़ेगा तो अल्लाह को माफी मांग लवांगे बूढ़े होंगे अल्लाह को माफी मांग
ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਝਟਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਰਾਹ ਚ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਬੜੀ ਵਸੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਚੰਦ ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਏ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰ। ਹਦੀਸ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਆ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਏ। ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੋਬਾ ਦਾ ਵਕਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਮਲ ਕਰ। ਪੂਰਾ ਜੁਮਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਖਤਸਰ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਏ ਫੌਰਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀਅਤ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਕੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਮਲ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੋ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਨੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਬਸ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਬਿ ਸੌਮਾ ਗਦਿਨ ਨਵੈਤੁ ਮਿਨ ਸ਼ਹਰ ਰਮਜ਼ਾਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰਨਾ। ਗਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆ, ਨੀਅਤ ਕੱਲ ਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਾਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਖੁਦ ਇਹ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਬਿ ਸੌਮਾ ਗਦਿਨਾ ਵੈਦੁ ਮਿਨ ਸ਼ਹਰ ਰਮਜ਼ਾਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ, ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਅਫਤਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਅਜੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਲੈਣ, ਚੌਥੇ ਭੱਲੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਇੱਧਰ ਹੋਲੇ, ਇਹ ਬਾਤ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਅਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਦੁਆਵਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਲਕਾ ਸੁਤੁ ਵਅਲਾ ਰਿਜ਼ਕਿਕਾ ਅਫਤਰਤੁ। ਦੂਸਰੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਜ਼ਹਾਬਾ ਜ਼ਮਾਉ ਵਬਤਲਲਤ ਅਲ-ਉਰੂਬ ਵਸਾਬਤ ਅਲ-ਅਜਲੁ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਦੋ ਦੁਆਵਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ। ਤੀਸਰਾ ਮਸਲਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਖਜੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਅਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਜੂਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਖਜੂਰ ਮੇਂ ਸਭੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਜੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤਾਕਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਜੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਵੀ ਨਮਕ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਜਾਣੇ ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਦੀਸ ਬਣਾ ਛੜੀ ਕਿ ਨਮਕ ਨਾਲ ਖੋਲੋਗੇ ਸਮੋਸੇ ਦੀ ਨਮਕੀਨ ਨੇ, ਪਕੌੜੇ ਦੀ ਨਮਕੀਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਕ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਖਜੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਵਾਕ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਮਸਵਾਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਸਵਾਕ ਕਰੀਏ ਰੋਜ਼ਾ ਮਕਰੂਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਮਸਵਾਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਸਵਾਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹਲਕ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਮਸਵਾਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੁਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਲਾਮਾ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੁਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਮੱਖੀ ਵਗੈਰਾ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ।
रोजे की रुखसत किन्ना लोगों वास्ते? पहले नंबर से बीमार बंदा उसके वास्ते भी रुखसत रोजा ना रखे, मुसाफर बंदा उसके वास्ते भी रुखसत है, हामला खातून इन्होंने वास्ते भी इस्लाम ने रुखसत रखी है, दूध पिलाने वाली औरत बच्चे ने दूध पिलाने जाए कोई मसला पेश आता वो भी रोजा ना रखे। और अगर इन्होंने क्योंकि बंदा रोजा रखना चाहे मसल मामूली जब बीमार है तो कहते मैं रोजा नहीं रखना एक दुरुस्त नहीं है, अगर बीमार बंदा रोजा रख ले अगर ज्यादा मुश्किल पेश आ रही है तो बाद रोजा उसे खोल ले। मुसाफिर बंदा सफर करना है रोजा रख ले, अगर सफर की वजह से तो मुश्किल आ रही है तो रोजा खोल ले। यही कि सफर पर जाना तो बंदा रोजा रखे ही ना, बल्कि आजकल सफर वैसे भी जदीद ने कुछ ज्यादा परेशानी नहीं पाती, इस वास्ते अगर रोजा रखने के नाल परेशानी ना आती हो तो रोजा रख सकते हैं। इस तरह बहुत ज्यादा ज़ाइफ बंदा जो बहुत ज्यादा कमजोर है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰੁਖਸਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਫਿਦੀਏ ਦਾ, ਫਿਦੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ। ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰੁਖਸਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਾਇਮੀ ਬਿਮਾਰ, ਕਿ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਸੀ ਐਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਖਸਤ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਦੀਆ ਦੇ। रोजे नहीं रखा सकता। मैं नारंग साहब के उत्ते एक बंदा मिस्त्री लगा माशाल्लाह सेहतमंद जवान, कहता असा मैं मिस्त्री दा काम करदा ते मैं किसे दे रोजे रखांदा, 10 ते मेरे किसे ने मानने, बाकी वी कोई बंदा लब लुब लेगा ते होर कोई बंदा रोजे नहीं रखा सकदा। कुरान दे अल्फाज़ है फमन शाहिद मिनकुम शहर फलयसुमहु, ते जेड़ा भी बंदे दी जिंदगी च रमजान आ ओ तो रोजे रखने पैणे। फिर अक्सर बंदे ये बहाना बनांदे ने कि असीं काम करना हुंदा मौलवी ते वेले ने, इन्हां नूं कहदा मसला बहाना नहीं आया गया असि किसी होर को रखा लिए। सिर्फ बीमार बंदा दायमी बीमार और दूसरा जो बंदा बहुत ज्यादा ज़ईफ जो हो चुके हैं और किसी तरह कह आ जाना उल्टी आ जाना असल अचानक आई कि कस्त ना अगर कोई बंदा करता है वह रोजा तुट जाएगा, अगर अचानक खुद ब खुद आ जाए वो रोजा नहीं तुटता। इस तरह कोई बीमार आदमी इंजैक्शन कोई लगाना चाहे ये भी रुखसत मुहद्दिसीन ने उलमा ने दी है। ऐसा टीका जो ताकत वाला नहीं कि थोड़ी बहुत कोई बीमारी है उसको कोई मामूली टीका वगैरह अगर लगाता है वो रोजा नहीं टूटेगा। अगर दीगर कोई मसला ऐसा हो जरा जहन के अंदर इंसान भी आता है लेकिन नहीं बयान किया उलामा मौजूद होते हैं मौलाना रफीक साहब या दूगर उलामा के नाम बंदा रबता करके उन्होंने पूछ करना चाहिए। अल्लाह ताला सानू सारे को सुने अमल करने की तौफीक अता फरमाए।